झारखंड में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के आधा दर्जन विधायकों ने केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन और सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर शिकायत की है कि पार्टी की विधायक सीता सोरेन सरकार को अस्थिर करने की साजिश में जुटी हैं और इस साजिश के मास्टरमाइंड है झारखंड मुक्ति मोर्चा के निष्कासित कोषाध्यक्ष रवि केजरीवाल और उनके करीबी अशोक अग्रवाल। ये दोनों लोग बारी बारी से जामा से पार्टी की विधायक सीता सोरेन के आवास पर अन्य पार्टी के विधायकों को फोन कर बुलाते हैं और विधायकों पर दल बदल कर बीजेपी का साथ देने का दबाव बना रहे हैं, साथ ही नई सरकार बनने पर मंत्री पद का लालच भी दे रहे हैं। वहीं इन आरोपों को लेकर विधायक सीता सोरेन का कहना है कि पार्टी के जिन विधायकों ने उनकी शिकायत की है वो दूध के धुले नहीं है। अपनी गलती छिपाने के लिए ये लोग पार्टी को लिख कर दे रहे हैं ताकि सीएम की नजर में अच्छे बने रहे। हम सही बात कर रहे हैं, सरकार को आईना दिखा रहे हैं, मेरी बातों को दबाने की साजिश चल रही है। रवि केजरीवाल और अशोक अग्रवाल के मेरे आवास पर आकर फोन करने की बात पूरी तरह से गलत है। उधर मौखिक और लिखित रूप से पहुंच रही शिकायतों के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा का शीर्ष नेतृत्व सतर्क हो गया है। इसके अलावा सरकार के रणनीतिकार सहयोगी कांग्रेस के विधायकों पर भी नजर रख रहे हैं। सरकार में कांग्रेस कोटे में शामिल हुए मंत्री बन्ना गुप्ता कई मौके पर खुलकर आपत्ति जता चुके हैं। उन्होंने यहां तक कहा है कि मंत्री का पद उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। वहीं कोलेबेरा के विधायक नमन विक्सल पहले शिकायत कर चुके हैं कि उन्हें तोड़ने के लिए 50 करोड़ का प्रलोभन दिया गया। बहरहाल सरकार को लेकर नए सिरे से मची उथल फुथल में कांग्रेस नेतृत्व भी सजग है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।